नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूही और परियों के चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीभ की सफाई पर कैसे ध्यान दें। जी हाँ, जब भी बात दोस्तों मुंह की आती है तो आमतौर पर लोग दांतों की सफाई करना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मुंह के ही अंदर एक ज़रूरी हिस्सा जीभ को भी लोग ध्यान देना भूल जाते हैं। तो जीभ पर ध्यान ना देने की वजह से कई बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा सांस की बदबू की समस्याएँ भी जीभ पर जमी गंदगी के कारण ही होती है। ऐसे में अपनी जीभ को नियमित रूप से साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आप अपनी जीभ की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। तो नमक हमारी जीभ के लिए एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्क्रब का काम करता है। इसे हम जीभ पर छिड़क कर टूथब्रश के पिछले भाग से हल्का सा दबाव डालकर साफ कर सकते हैं। जीभ को साफ करने के लिए रात में सोने से पहले नमक से पानी का कुल्ला भी हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं माउथ वॉश की। जी हाँ, भोजन के बाद खाने के कुछ अंश जीभ पर भी रह जाते हैं, इसीलिए माउथ वॉश का प्रयोग ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। जी हाँ, बेकिंग सोडा में नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं। अब इस पेस्ट को जीभ पर उंगली से अच्छी तरह से लगा लें और थोड़ी ही देर रखने के बाद आप कुल्ला कर लें। इससे जीभ पर जमी गंदगी की जो सफ़ेद परत है वह आसानी से निकल जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं दही की। दही प्रोबायोटिक होता है। यह जीभ पर जमा फंगस, सफ़ेद परत और गंदगी को खत्म कर देता है। तो अब हम लेके चलते हैं हल्दी को। हल्दी पाउडर में अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें, अब इस पेस्ट को आप जीभ पर लगाकर मसाज करें। कुछ देर मसाज करने के बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा करने से आपकी जीभ साफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नारियल के तेल की। नारियल के तेल से भी आप अपनी जीभ पर जमी सफ़ेद मोटी परत को दूर कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक गुणों वाले नारियल के तेल से दिन में 2 बार आप कुल्ला जरूर करें। इससे जीभ पर जमा हुआ बैक्टीरिया जो है उसका सफाया हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनानास। अनानास में ब्रोमलेन एंजाइम होता है जो कि आपकी जीभ के काले धब्बों को हटा देता है और जीभ को डेड स्किन सेल्स से छुटकारा दिला देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एलोवेरा की। तो एलोवेरा कई तरह की बीमारियों के इलाज में प्रयोग में लाया जाता है और स्किन के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है। जीभ में अगर धब्बों को मिटाना है तो एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो एलोवेरा जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये उपाय थे आपकी जीभ को साफ रखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन ज़रूर दबाएँ।